उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार मैनपुरी नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी बता दें 345 वैवाहिक जोड़े संपन्न हुए, जीवन के बंधन सूत्र में बाधा किया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए पहुंचे आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री दीप प्रज्वलित कर तो वहीं बता दिए कि 324 जोड़ों के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दंपति जीवन में जोड़ा बनाया गया। 21 मुस्लिम समाज के जोड़ों को भी कहा गया कि दंपति जीवन में जोड़ते हुए आबकारी मंत्री आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ में बता दें कि बेटियों के खाते में 31,000 की धनराशि के साथ साथ 20,000 की कीमत का घरेलू सामान भी वितरण किया। वहीं बता दें कि जिला अधिकारी मैनपुरी अविनाश किशन ने जहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते मैनपुरी जनपद में नुमाइश पंडाल का भव्य विवाह समारोह का आयोजन आज हुआ। प्राइम डी के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जिला प्रशासन ने करी है और 400 से ज्यादा शादियाँ आज यहाँ हो रही है, उनमें विवाह भी है, निकाह भी है। मैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लाल टोपी लाल अलर्ट है, उससे बच के रहो, उससे बच के रहो। नहीं वो अलर्ट ही है, वो लगाए तो अलर्ट है, वो तो जब आते हैं लाल टोपी वाले तो खून खराब ही होता है, लाल ही लाल दिखाई देता है। आयोजन चल रहा है यहाँ पर जी, कुल कितने विवाह और निकाह कराए जा रहे हैं? देखिए, शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश की भांति जनपद मैनपुरी में भी आज इस प्रांगण में भव्यतापूर्वक समारोह पूर्वक हम लोगों ने सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा है और उसमें अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं 345 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं। कुछ और जोड़े जो बाद में आए उनके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है, जिसमें 324 जोड़े हिंदू हैं और 21 मुस्लिम जोड़ों के भी निकाह के आयोजन आज इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत कराया जा रहा है। जितने भी हम लोगों ने पूरे जनपद के अंदर पात्रता के लिए पिछले एक महीने से लगभग ये अभियान चला रखा है और जितने भी पात्र जोड़े प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक को भी एजेंसी बनाई थी, टाउन एरिया नगर पालिका को भी बनाई थी, SDM के माध्यम से भी हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया था, उन सभी को आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, शामिल किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ घंटों से ये कार्यक्रम बड़ी भव्यतापूर्वक समारोह पूर्वक हम लोग करा रहे हैं और अब ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अभी देख रहे हैं, शादी के इस भव्यतापूर्वक कार्यक्रम में इसका आयोजन करा रहे हैं और जितने भी आज पात्र जोड़े हैं सभी का आज हम लोग इस माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आज इनको भव्यतापूर्वक निकाह और शादी दोनों का कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं।